बड़ी खबर, धर्म नगरी हरिद्वार स्थित ग्राम अनेकी में आर्यन हेरिटेज स्कूल के बच्चों ने हिंदी दिवस पर विशेष कलाओं जैसे भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी हमारी संस्कृति पर जोर देते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की ताकि बच्चों में भारतीय संस्कृति का समावेश हो, बच्चों में धार्मिक भावनाओं का उदय हो, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान हो। कक्षा 11 के स्टूडेंट आदित्य पाठक ने कार्यक्रम का संचालन पूरी तरह से मातृभाषा हिंदी में किया, जिससे कि तालियों से गड़गड़ाहट की गूंज गूंज दूर दूर तक फैल गई। आपको बता दें कि आर्यन हेरिटेज स्कूल की पहचान अपने आप में एक अनूठी है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षित अध्यापकों के साथ साथ संस्कारों पर विशेष जोर दिया जाता है। स्कूल की ट्यूशन फीस भी साधारण है ताकि हर व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। असहाय विकलांग सेवा ट्रस्ट की राष्ट्रीय महासचिव सेवाकांत पाठक ने कहा कि आज वर्तमान समय पर अभिभावक आडंबर की ओर आकर्षित होकर आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आर्यन हेरिटेज स्कूल जो कि CBSE बोर्ड होने के बाद भी बच्चों को संस्कार प्रदान कर रहा है, बच्चों भविष्य के लिए काफ़ी हद तक समुचित हैं। श्री पाठक ने स्कूल प्रबंधक बसु त्यागी ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए कहा है कि श्री त्यागी ने अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर एक नया इतिहास रचा है, जिसके लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। क्या मैं ये जानना चाहूंगी कि पहले के टाइम में वॉशिंग मशीन नहीं थी और क्या फिर हमारे कपड़े नहीं वॉश होते थे? क्या यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जो कि हमें पढ़ाई के लिए यूज करना चाहिए, लेकिन बच्चे उसे सोशल मीडिया के जरिए अपना अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई रील्स बना रहा है, कोई उसकी बायो दे रहा है, रात रात में चैटिंग कर रही है, तो इसकी टेक्नोलॉजी यूज अच्छी बात है? हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, रणविजय कुमार।